क्या कोरोना वायरस हवा में रह सकता है? इस बात को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज है। आइए आपको बताते हैं कि वायरस हवा में कैसे रहता है। जब भी हम स्नीज करते हैं, मतलब कि छींकते हैं, तो कुछ ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदे बाहर निकल जाती है, जिनसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। यह ड्रॉपलेट्स अलग अलग साइज की हो सकती है। जो बड़ी ड्रॉपलेट्स होती है वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, इसलिए हमेशा 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। यह ड्रॉपलेट्स ग्राउंड या किसी भी चीज पर गिर जाती है, इसलिए हमें अपने हाथ बार बार अच्छी तरह धोने चाहिए। ये तो हमें पता है। अलग बात ये है कि इसमें जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती है उन्हें एरोसोल्स कहते हैं, और उनसे वायरस फैलता है। वे हवा में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। यह एरोसोल्स तब फैलेगा जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़े या फिर बात करता है। जो भी व्यक्ति इस हवा के संपर्क में आएगा वह कोरोना से पीड़ित हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि कितनी देर तक यह वायरस हवा में रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एरोसोल ज्यादा लंबे समय तक ट्रेवल नहीं करते, पर भीड़ से भरी हुई जगह या अच्छे से जहां हवा नहीं होती वहां कोरोना सबसे ज्यादा होता है। एक अकेला व्यक्ति एक कमरे में इतनी ड्रॉपलेट्स फैला सकता है कि उससे बहुत से लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो या बाहर निकलते हो तो मास्क जरूर लगाएं, चाहे आपके आस पास एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो। अब सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए। इससे बचने के लिए अपना मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि अपने हाथ बार बार अच्छी तरह धोते रहे। भीड़ वाली जगह पर जाने से बचे। धन्यवाद। कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए सिटी वेब से जुड़े रहे। हम एक बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you.